मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5-10 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। काफ़ी समय से आप बैठे हैं यहाँ, बच्चों ने तो मुझे लगता स्कूल भी छोड़ दिया, ये मुझे नहीं लगता ठीक प्रथा थी, लेकिन चलो एक नोबल कॉज के लिए इसको भी क्लास समझ सकते हो, एक क्लास में हम बैठे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा, आज जिस विषय में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है नशा, नशे का सेवन। तो उसके 5 पार्ट हैं मुख्य तौर पे। एक तो ये नशा जो है, जो भी सेवन करता है, पीता है, खाता है, दूसरा वो उसको प्रोवाइड कराता है, उसको देता है, लाके स्मगलिंग करके देता है, उसको कौन पहुंचाता है नशा। तीसरा पार्ट इसमें सबसे घातक है, वो पार्ट ना तो वो खाता पीता ना उसको ले जाके देता है, बट वो पीछे से उसको सपोर्ट करता है। पंचायत में भी आ जाएगा वो, आपके बीच में भी हो सकता है, हमारे पास प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी आ जाता है, MLAs MPs के पास भी आ जाता है, DC साहब के पास भी चला जाएगा। भाई वो ये तो बोलता रहता है नशा गलत चीज़ है, बट वो किसी न किसी रूप से पीछे से उन लोगों को जो नशे में इंडल्ज हैं या शामिल हैं, नशा बेचते हैं या नशे का सेवन करते हैं, उनकी सहायता करता है, और वो दिखता कहीं भी नहीं है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सहायता कैसे करता है, वो सहायता ऐसे करता है कोई समिति बनी हुई है नशे के विरुद्ध, पंचायत ने कोई ऐसा संगठन बना रखा कि भाई हम नशा छुड़वाएंगे, डोर टू डोर आप बात कर रहे हैं, किसी भी बच्चे के प्रति, किसी भी परिवार के प्रति फिंगर आउट करते हैं भी आपका बच्चा नशे में है, इसको सुधारो, ये इसको डिटेक्शन सेंटर में लेके जाओ। तो वहीं वो व्यक्ति बीच में इंटरव्यू करता, नहीं नहीं पहले करता था अब नहीं करता, अगर कहीं पकड़ा गया तो वो उसकी सेटिंग की कोशिश करता है कि भाई छुड़वा दूँ मैं, पैसे उसे ले देंगे, वो भी नहीं बात बनी कोर्ट में चला गया तो उसकी जमानत करवा देता है, जमानती खड़ा करा देता है, उसकी इनडायरेक्ट रूप से सहायता करता है। तो वो एलिमेंट पूरे समाज में, हर विभाग में, हर जगह है इस टाइप के, तो हमें उनको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दिखते नहीं है वो होते हर जगह। 4th पार्ट है अवेयरनेस। अवेयरनेस कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी मुहिम में इंट्रैक्शन करते हैं, बात करते हैं नशे की, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ अवेयरनेस है, जागरूकता। जागरूकता पंफलेट बांट के, अखबार में दे के, पंचायत करके, स्पोर्ट्स क्लब गठित करके, नक्शा मूर्ति कोई आपकी ऐसी समिति बना के, कोई संगठन बना के, भगत सिंह क्लब बना के, अलग अलग रूप से काफ़ी गांव में क्लब हैं, किसी में पंचायत इसको मुहिम को छेड़े हुए है, किसी में यूथ इसको छेड़े हुए हैं, कुछ बच्चे डिबेट करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो ये अवेयरनेस का पार्ट है, वो किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। तो जागरूकता की बातें हम कर रहे हैं, जो आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं नशे पे, ये जागरूकता का पार्ट है। कोई नशा गलत है, इसका सेवन गलत है, इसकी सहायता करना गलत है, इसको बेचना गलत है, कानूनी अपराध है। 4th पार्ट ये है, हर व्यक्ति सोचता भी मेरे बच्चे तो ठीक हैं, पड़ोसी गाँव के, गली के, मोहल्ले के, वार्ड के जो नशे में बच्चे इंडल्ज हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो 5th जो पार्ट है उसको भी हमें शामिल करना चाहिए इस मुहिम में, जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करें, चाहे उसके बच्चे ठीक हैं, अगर आग लगती है तो लपट कहीं तक भी जा सकती है, ये नहीं भूलना चाहिए आज मेरे बच्चे ठीक हैं, कल को आपके बच्चे इस नशे में ग्रस्त हो सकते हैं। इसका जिंदा जागता उदाहरण पंजाब, हमारे लगते हुए एक सूबा है, राज्य है, सभी बच्चे जानते हैं, पढ़ा है आपने पंजाब के बारे में, वो हर ढंग से आगे था, स्पोर्ट्स में भी आगे था, वैसे भी भारत का जो मैप है उसमें हेड है, ऊपर है हमारे से ऊपर, हॉस्पिटलिटी में भी आगे था, किसान खेती में भी आगे था, वहाँ के सैनिक भी ज़्यादा थे, किसी भी रूप में इंडस्ट्री भी काफ़ी थी। अब पंजाब की पहचान नशे के रूप में होगी, पंजाब की बात आती तो कहते नहीं नशा बहुत है, और है भी सही,
यहाँ जो पंजाब से लगते हुए जो हमारे गांव हैं उसमें काफ़ी नशा यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ भी आ रहा है इंटीरियर में भी। उसके लिए हम सबसे पहले जिम्मेवार मानते हैं प्रशासन, और प्रशासन में भी पुलिस प्रशासन, उसके बाद मानते हैं सरकार, उसके बाद मानते हैं कानून। विषय बड़ा गंभीर है। सरकार आप सभी बैठे हैं सरकार है, प्रशासन आप सभी बैठे हैं प्रशासन है। जब तक पेरेंट्स, जब तक बच्चे, माताएं, बहनें, हर व्यक्ति इसमें, ये तो हमारा हवन है, इसमें जब तक आप सभी आहुति नहीं डालोगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो प्रशासन से अपेक्षा आपको रहती है बहुत अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें, नशे को ख़त्म करें। तो हमने प्रयास किया है पिछले एक साल में, लगभग मैं एक साल से यहाँ कार्यरत हूँ, एक साल से ऊपर ही हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले के 5 साल का फिगर मैंने निकाली थी, उससे कहीं अलग ज़्यादा है। केस भी हमने ज़्यादा दर्ज किए हैं, रिकवरी भी ज़्यादा की है, और व्यक्ति भी ज़्यादा अरेस्ट किए हैं। किसी ने किसी प्रकार की सूचना दी है, इमीडिएट रिस्पेक्शन हुआ है, लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं। ये तो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जब तक आप पूरे शामिल नहीं हो गए इसमें मुहिम में, जब तक बात बनने वाली नहीं है। अब हर आम नागरिक, जन साधारण, माता बहन सभी ये सोचते हैं हम कैसे शामिल हों इसमें। आप घर में ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करो, बात करो, बच्चों से बात करो, ये चीज़ गलत है। डेली अगर बात करोगे तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बच्चा आपका स्कूल में जा रहा नहीं जा रहा है, कॉलेज में जा रहा नहीं जा रहा है, कैसी संगत में बैठता है वो आप देखो। बैड कंपनी है उसको छुड़वाओ। बच्चों से भी मैं अनुरोध करता हूँ बैड कंपनी से दूर रहो। उसके अतिरिक्त फिर भी नहीं मानते तो पंचायत के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, किसी भी के थ्रू, जो नशे वाला परिवार है, जो नशा बेचता है या खाता पीता है, तो उसकी सूचना दो। अब फिर सूचना पे बात आती है कि भी हम बताते हैं हमारी दुश्मनी हो जाएगी। उसका भी हमने एक रास्ता निकाला है, टोल फ्री 3 नंबर हमने दिए हैं जिस पे कोई भी उस पे सूचना दे सकता है, उस पे नाम भी नहीं पूछेगा कोई, और तुरंत उस पे एक्शन भी होगा। ये सुविधा है टोल फ्री नंबर, ही आपको दे भी देंगे, अनाउंस भी कर देंगे। इससे भी बात बनने वाली नहीं है। जब सामाजिक बुराई है, आर्थिक नुकसान है, कानून की उल्लंघना है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक विकार है, तो सामाजिक बुराई उसके बावजूद भी हम इससे दूर नहीं हो रहे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सभी जिम्मेवार हैं, आप भी, मैं भी, सब, एवरीबॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध, आपको आदेश, एज ए प्रशासनिक अधिकारी मैं आपको आदेश करता हूँ, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। तो आपको जैसा अच्छा लगे हमारा अनुरोध, हमारा सुझाव, इसमें ज़रूर आप सहायता करें। ये बहुत गंभीर विषय है। आने वाली पीढ़ी ना आपको माफ़ करेगी ना हमें माफ़ करेगी। इसमें सेल्फिश होने से बात नहीं बनने वाली है। मेरा बच्चा ठीक है, दूसरे का बच्चा बिगड़ रहा है। आपको सबको इसमें सहायता करनी पड़ेगी। ये इतना ही ज़रूरी है जितना आप खाना खाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। ये सही मायने में ऑक्सीजन है। जिस परिवार का बच्चा इंडल्ज है उस परिवार से पूछो। इंसान ज़िंदगी में एक बार मरता है, वो परिवार डेली मरता है। 3 साल 4 साल तक जब तक वो सेवन करता है, उसके बाद उसने मरना ही मरना है। उसका परिवार, उसके नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार सभी डेली मरते हैं, और उसको फिंगर आउट भी करते हैं कि तो देखो वो आदमी है नशेड़ी है। नशेड़ी बहुत बड़े से बोलते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नशे का सेवन करता है उसको नशेड़ी वर्ड भी नहीं कहना है, उससे भी बुरा लगता है। अब डी एडिक्शन का विषय है, इस पर लगभग 3 या 4 महीने का कोर्स है। डी एडिक्शन सेंटर में आप भर्ती करवाओ, हम आपकी सहायता करेंगे। उस पर 10 से 15 हज़ार खर्च आता है दवाई पे।
उसके लिए हमारी जो संस्थाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे हमने बात की है। वो कम से कम 100 लोग ऐसे हैं आज भी, अगर 100 बच्चे माँ बाप अपना इलाज कराना चाहेंगे तो हम उनका फ्री उनका इलाज करवा सकते हैं, सिर्फ आपको सूचना देनी है। उसमें सिर्फ आपको एक अटेंडेंट छोड़ना पड़ेगा, आपका भाई, फादर, चाचा, ताया, पड़ोसी जो भी है उसका उपचार कराएं। एक उसको आप बुरा भी मत बोलें, ये यूथ बैठे हैं बच्चे पीछे, अगर कोई नशे का आदि हो गया तो उससे अपशब्द या नशेड़ी कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा इस्तेमाल करते हैं वर्ड तो और दूर हो जाएगा हमारे से। पूरे समाज में एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में एक नशे के परिवार को, एक नशे वाले बच्चे को मेन स्ट्रीम, मेन धारा, मुख्य धारा में ले आता है, तो मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई पूजा है, उससे बड़ी कोई वर्शिप है। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हर जगह है मंदिर, तो अपने लिए सब कुछ करते हैं, तो आपको पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे गाँव के लिए,